नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लिटसी चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट टू, यानी कि जो बीटेक फोर्थ सेमेस्टर पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को है। हो सकता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, तो अलग अलग सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट हो सकता है। काफी दिनों से आप देख रहे होंगे कि मैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के वीडियोस लेके आ रहा था फ्रॉम द चैप्टर अप्लाइड साइकोमेट्री एंड हीट लोड कैलकुलेशन। तो मुझे लगा कि हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कहीं पीछे ना रह जाए, क्योंकि हमने साइमल्टेनियसली दोनों सब्जेक्ट को स्टार्ट किया हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है जो आप देख रहे हैं, दिस इज द, हम थोड़ी सी थ्योरी भी कवर करेंगे क्योंकि थ्योरी बहुत छोटी सी और इसी पे बेस हमारा एक न्यूमेरिकल है जिसका कॉन्सेप्ट आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। सो दिस टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन प्रेशर वेसल। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे बहुत बड़ी से रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भूलिएगा तक। मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर बार लेके आता रहूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखें तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर, यानी कि जो हमारी चैप्टर का नाम है दैट इज ऑफ प्रेशर वेसल, ठीक है, कई बुकों में ये स्ट्रेंथ ऑफ मेटल में, ठीक है, जो भी सपोज केमिकल इंजीनियरिंग को अगर ये स्ट्रेंथ ऑफ मेटल होगा तो ये जो टॉपिक है ये एक ही बुक में इंक्लूडेड है, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग को पार्ट वन एंड पार्ट टू में दिया हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल पार्ट वन, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल पार्ट टू। तो ये पार्ट टू में स्ट्रेंथ ऑफ मेटल के इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं, जो भी सिविल इंजीनियरिंग को भी है। फिलहाल सिविल इंजीनियरिंग को ये प्रेशर वेसल का चैप्टर तो नहीं होगा, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग को होगा और डेफिनेटली मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। आए दिन काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आपकी वजह से हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, हीट ट्रांसफर के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो ये सब आप ही की वजह से है, क्योंकि काफी मेहनत करके आपको भी मालूम है कि ये वीडियोस आपके लिए हमें लेके आने पड़ते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमारी वजह से काफी बेनिफिट हुआ है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो प्लीज डोनेट कीजिएगा। आपको जो भी ठीक ठाक अमाउंट लगे उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं, दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन प्रेशर वेसल। जैसे जैसे हम ये न्यूमेरिकल करेंगे वैसे वैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बट इससे पहले कि मैं ये फोकस करूं न्यूमेरिकल पे, ठीक है, इसे हम अपनी नेटिव लैंग्वेज हिंदी में समझेंगे, साथ में लिखेंगे गिवन डेटा। बट ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, आपने देखा है कि प्रेशर वेसल जो होती है ये सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है, यानी कि यहां से यहां पर वापिस बना देता हूं, ये है हमारी सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल। देखिए एक तरह की जो पाइप भी होती है, जब उसके अंदर से फ्लूइड हाई प्रेशर से गुजरता है तो वो भी एक तरह की सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो ये है ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर वेसल है क्योंकि लेटी हुई है, ठीक है, एक सपोर्ट लगा देते हैं हम यहां पे, इसको सैडल सपोर्ट्स भी बोलते हैं। या काफी जो प्रेशर वेसल्स होती हैं कुछ इस तरह की वर्टिकल भी आपने देखी होंगी, ज्यादातर ये केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में या कोई भी केमिकल इंडस्ट्रीज में रिएक्शंस को करने के लिए। सपोज यहां पर रिएक्टेंट ए डाला, रिएक्टेंट बी डाला, ठीक है, बट मिक्स करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। तो ये हो गया हमारा स्टरर, साथ में लगाया हमने जैकेट, ओके, जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये हो गया हमारा आउटलेट वॉल्व, ठीक है, हमने लगा दिया। मोटर हमने ये लगा दी, तो कुछ इस तरह की ये जो प्रेशर वेसल होती है इसको डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है, ताकि मिक्सिंग प्रॉपरली हो, टेम्परेचर जो भी हम देना चाहते हो 20 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, वो मेंटेन किया जाए। और इस तरह की जो प्रेशर वेसल आप देख रहे हैं नॉर्मली ये पेट्रोल कैरोसिन को स्टोर करने के काम में आती है। कुछ इस तरह की प्रेशर वेसल्स भी आपने देखी होगी जिसको हॉटल स्फीयर या स्फेरिकल वेसल भी बोलते हैं, और ये ज्यादातर यूज की जाती है लिक्विड को अंडर प्रेशर स्टोर करने के लिए या फिर गैसेस को स्टोर करने के लिए। तो ये नॉर्मली आपको पोर्ट्स पे मिलेगी, यानी कि बंदरगाहों पे मिलेगी, ओके। इस तरह की प्रेशर वेसल आपको अंडरग्राउंड मिलेगी पेट्रोल को स्टोर करने के लिए, डीजल को स्टोर करने के लिए, ओके। अब बट ये क्वेश्चन में क्या दिया हो, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन प्रेशर वेसल, यानी कि प्रेशर वेसल तो है ये, यानी कि अंदर प्रेशर तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए एक प्रेशर वेसल है, यहां पर मैं वापिस बनाता हूं, ठीक है, ये हमारी प्रेशर वेसल है, तो अंदर प्रेशर तो डेफिनेटली है भाई, ठीक है, बट साथ में एक्सटर्नल फोर्स भी है, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन प्रेशर वेसल। अंदर प्रेशर तो है ये, क्योंकि लिक्विड अंडर प्रेशर है, गैस अंडर प्रेशर है, तो डेफिनेटली प्रेशर तो अंदर देखने को मिलेगा, बट बाहर से भी इसको पुल किया जा रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, दूसरे कलर से आपको बताता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, हो जाएगा। एक काम करता हूं रेड कलर से, देखो रेड कलर है मेरे पास, होना तो चाहिए, ठीक है, ओके, चलिए अभी देखिए, ठीक है, बाहर से भी उसको एक्सियली पुल किया जाता है। तो इस दौरान क्या होता है, सपोज ये फोर्स एफ है, ठीक है, दिस इज द फोर्स एफ, ओके। तो इस दौरान क्या हो रहा है कि ये जो आपकी प्रेशर वेसल है डेफिनेटली एलोंगेट हो जाएगी ऑलरेडी प्रेशर की वजह से। अब मेरा एक टॉपिक था जो आपने देखा होगा शायद, कि अगर कोई भी वेसल
वो प्रेशर वेसल होती है और अंदर एक ऐसा फ्लूइड या फिर क्या बोलते हैं गैस होगी, तो डेफिनेटली प्रेशर को एग्जर्ट करेगा वॉल्स पे। तो ऑटोमेटिकली उसमें लेंथ में चेंज देखने को मिलेगा, उसके डायमीटर में चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि लेंथ बढ़ जाएगी, डायमीटर बढ़ जाएगा, थिकनेस में चेंज देखने को मिलेगा, बट ऑटोमेटिकली अब फोर्स भी बाहर से लगाई जा रही है, प्रेशर तो है ही है, फोर्स भी लगाई जा रही है, तो दैट मीन्स जितना लेंथ प्रोड्यूस होना था इस प्रेशर की वजह से उतना तो होगा ही होगा, ठीक है, समझ में आया। ये तो ओरिजिनल लेंथ है, सपोज थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि फोर्स एफ लगी हुई है, ठीक है, सिर्फ ये जो वेसल है ये इंटरनल प्रेशर से सब्जेक्टेड है, तो मान लीजिए अब जो लेंथ आई वो थोड़ी सी बढ़ गई, ये लेंथ थी, ओके, अब इतनी थोड़ी बहुत लेंथ और बढ़ गई, डेल एल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये किस वजह से बढ़ी, इस प्रेशर की वजह से, ओके, बट ऑलरेडी एक फोर्स लगी हुई है और बाहर, तो डेफिनेटली और बढ़ जाएगी भाई। तो कहने का मतलब है कि हम क्या करेंगे सेपरेटली, अगर सपोज एक ही प्रेशर वेसल पे प्रेशर भी है और बाहर से फोर्स भी लगी हुई है, तो सेपरेटली पहले हम पी का यूज करके, यानी कि इंटरनल प्रेशर को यूज करते हुए कितनी लेंथ बढ़ी डेल एल वो निकालेंगे, ओके, सेपरेटली, ओके, फिर पी के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, यानी कि पी को कंसिडर नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ इतना मान रहे हैं कि प्रेशर कुछ नहीं है अंदर, सिर्फ इस प्रेशर मीन्स इस वेसल को सिर्फ फोर्स से सब्जेक्ट किया गया, उस दौरान क्या कितना चेंज इन लेंथ आता है, सपोज ये वाला है, तो सेपरेटली इसको भी निकालेंगे, ठीक है, और फाइनली हम दोनों को ऐड कर देंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा। बट इसमें खास बात ये है कि अगर सपोज हम इसे खींच रहे हैं तो डेफिनेटली डायमीटर तो कम हो जाएगा ना भाई, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी चीज अगर इस डायरेक्शन में खींचते हैं, मान लीजिए इसका डाया इतना बड़ा है, तो डेफिनेटली फिर अगर हम खींच रहे हैं तो ये और लंबा हो जाएगा, ओके, बट इसका डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस में लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, चेंज इन लेंथ आ गया, बट वाई एक्सिस में जो डायमीटर होगा वो डेफिनेटली कम हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए इसका डायमीटर कितना बड़ा है, ये सपोज डी है, ये तो बेचारा बहुत कम हो गया, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, तो हम ऐसे ही निकालने वाले हैं, क्लियर हो गया, ओके। एक और चीज मैं यहां पे बता देना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये फोर्स से ये प्रेशर वेसल सब्जेक्ट नहीं, यानी कि प्रेशर वेसल को बाहर से कोई नहीं खींच रहा, तो प्रेशर की वजह से इसका डायमीटर भी बढ़ेगा, ठीक है, बट अब थोड़ी देर के लिए मीन्स भूल जाइए इस प्रेशर को, मान लीजिए कि इंटरनल प्रेशर है ही नहीं, अब सिर्फ खींचा जा रहा है, बट उस दौरान आपका डायमीटर खींचने की वजह से, ठीक है, इस प्रेशर ये जो वेसल है इसको खींचेंगे तो डायमीटर इस दौरान कम हो जाएगा, तो हमने एक बार निकाला कि डायमीटर बढ़ जाएगा प्रेशर की वजह से, और एक बार हमने ये देखा कि थोड़ी देर के लिए प्रेशर नहीं है, यानी कि हम दोनों केसेस सेपरेटली सेपरेटली कैलकुलेट कर रहे हैं, इस दौरान हमने क्या देखा कि प्रेशर नहीं, पहला केस था प्रेशर था तो डायमीटर बढ़ जाएगा, ठीक है, दूसरा केस ये बोलता है कि प्रेशर नहीं है, अगर हम इसे खींचते हैं तो डायमीटर कम हो जाएगा, तो पहले में खींच गया और फाइनली कम हो गया, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा इंक्रीज इन डायमीटर होगा, तो हमने क्या किया सेपरेटली दोनों को अलग अलग कैलकुलेट किया, देन प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन का यूज करके हमें निकाल लिया आंसर। तो आई होप आपको चीजें कॉन्सेप्ट समझा होगा कि प्रेशर वेसल यानी कि अंदर प्रेशर तो है, तो उस दौरान डायमेंशंस में चेंज तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, बट फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, तो यही हमें ये क्वेश्चन बताता है, तो अब हम जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये तो मैंने जस्ट बताने के लिए आपको किया था, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं और जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 5 to 10 minutes तो आई थिंक आपको समझाने के लिए ले लिया कि एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, लेट मी चेक, 8 मिनट हो गए, ठीक है, तो चलिए अब जल्दी जल्दी गिवन डेटा लिख लेते हैं, हार्डली 2 मिनट में हो जाएगा और अगले कोशिश करूंगा 7 मिनट में खत्म करने की, ठीक है। अब देखिए, अ कॉपर ट्यूब हैविंग 45 mm इंटरनल डायमीटर एंड 1.5 mm थिक वॉल थिकनेस इज क्लोज्ड एट इट एंड्स बाय द प्लग्स विच आर 450 mm अपार्ट। एक कॉपर ट्यूब है, ठीक है, जिसका इंटरनल डाया मीन्स 45 mm है, ठीक है, तो इंटरनल डाया यहां पर लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू 45 mm, हो गया क्लियर, ओके, उसकी जो वॉल थिकनेस है कितनी है, वॉल थिकनेस दिस इज योर थिकनेस टी लिख देता हूं 1.5 mm, हो गया क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके, उसको दोनों जगह से बंद कर दिया गया है, तो काम करता हूं इसका डायग्राम मैं यहां पे बनाऊंगा, काफी अच्छा दिखेगा आपको, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाने जा रहा हूं, मान लीजिए ये जो वेसल थी, ठीक है, ये वेसल थी, मैंने उसको ऊपर से 2 हिस्सों में कट कर दिया, तो 2 हिस्सों में कट करने की वजह से कुछ इस तरह से दिखेगी, और ये इसकी थिकनेस है, ठीक है, तो मैं ज्यादा कलरिंग का यूज नहीं करूंगा, ओके, ये इसकी थिकनेस है, ओके क्लियर, मैंने ऊपर से इसको कट कर दिया 2 पार्ट में, ओके, तो दिस इज योर इंटरनल डाया, ओके 45 mm हो गया, एंड थिकनेस यहां पे लिख देता हूं, दैट थिकनेस इज हाउ मच, सो 1.5 mm, ठीक है,
ओके okay, और उसे बंद कर दिया गया। एक्चुअली में मैंने एक आधा पार्ट दिखाया आपको, ठीक है, एक्चुअली में ये पूरा बंद है। ओके 450 mm अपार्ट। एक काम करता हूँ, यहां पर मैं इस डायग्राम में ये भी बताता हूँ, ठीक है। तो दिस इज 450 mm, ये लेंथ है इसकी, ठीक है। मैंने सिर्फ इसका आधा पार्ट दिखाया, तो लेंथ इज 450 mm। ओके क्लियर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्यूब इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर ऑफ 3 MPa। तो अंदर का जो प्रेशर है दैट इज योर 3 MPa। तो इंटरनल प्रेशर इज 3 MPa। ओके आगे क्या बोल रहा है, एंड एट द सेम टाइम पुल्ड इन एक्सल डायरेक्शन विद अ फोर्स ऑफ 3 kN। और इसी वेसल को देखिए, अंदर का जो प्रेशर है वो पी तो बता दिया इसमें, बट एट द सेम टाइम से खींचा भी जा रहा है, ठीक है। कितनी फोर्स है, दिस इज योर कितनी फोर्स है ये 3 kN की, 3 kN की। तो यहां पे भी 3 kN लिख देता हूं, इसी का आधा पार्ट कट करके मैंने यहां पे बता दिया, ठीक है। तो यानी कि फोर्स जो है 3 kN की फोर्स लगाई जा रही है। सो दिस इज योर एफ इक्वल टू 3 kN, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। कंप्यूट द चेंज इन लेंथ बिटवीन द प्लग्स, यानी कि यहां से टोटली बंद कर दिया गया इसे। ओके तो जो चेंज इन लेंथ आएगा, यानी कि साफ साफ बोल रहा है कि डेल एल निकालिए, क्वेश्चन मार्क। सेवेंथ क्या बोला है, देन योर एक्सल डायरेक्शन में, ओके चेंज इन लेंथ बिटवीन द प्लग्स, ओके चेंज इन इंटरनल डायमीटर, तो चेंज इन डायमीटर अगेन क्वेश्चन मार्क। ओके क्या बोला है, जो गिवन डेटा है मैं यहां पे लिख देता हूं। 8 क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कॉपर की ट्यूब है, सो दिस इज 100 GPa। तो इसमें आप यूनिट कन्वर्जन भी देखेंगे। ओके 10, 9 क्या है, और यह है पॉइजन रेशियो कॉपर के लिए, याद रखिएगा। ये होता है लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन का एक रेशियो होता है, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। लेट मी चेक। ओके सो फिलहाल मैं इस जो भी लिखा हुआ था उसको मिटा देता हूं टोटली, ठीक है। अब हम जल्दी से क्वेश्चन को करेंगे, सो लेट मी हैव अ डिफरेंट पेन, ताकि थोड़ा सा फास्ट हो जाए, ठीक है। चलिए अब मैं क्या बोलूंगा आपको, ठीक। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि, आपको मालूम है कि मैंने पिछले टॉपिक में मैंने काफी डेरिवेशंस कराए थे, जिसमें मैंने ये कहा था कि जब भी कोई भी प्रेशर वेसल, मतलब कोई भी प्रेशर वेसल अंदर प्रेशर से सब्जेक्ट हो जाती है, तो डेफिनेटली उसकी कुछ लेंथ भी होगी, डेफिनेटली। तो उस दौरान उसकी लेंथ में चेंज आ जाता है, ठीक है। सपोज ये ओरिजिनल लेंथ थी, ठीक है, ये एल है, तो दिस इज योर डेल एल हो गया, डेफिनेटली। इसका खुद का डायमीटर डी होगा, तो यहां पर जो ये डायमीटर है ये तो खुद का डायमीटर डी है, ये जो बाकी बची है ये डेल डी है, ठीक है। तो ये हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कैसे निकाला था आपको बताया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिन लेंथ कैन बी फाइंड आउट पी डी अपॉन 4TE इंटू 1 - 2 μ। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको, आप देख सकते हैं मेरे पिछले डेरिवेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चेंज इन लेंथ निकालना है, तो हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए। प्रेशर मालूम है, प्रेशर मालूम है, डायमीटर मालूम है, डायमीटर मालूम है, ई मालूम है, ई मालूम है, थिकनेस मालूम है, म्यू मालूम है, ठीक है। अब यहाँ पे सेफली हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो यूनिट होनी चाहिए वो प्रेशर है तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, स्ट्रेस है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, फोर्स है न्यूटन में होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेशर, प्रेशर किसमें, 3 MPa, याद रखिएगा। कभी भी 3 MPa दिया हुआ है तो ये कितना होता है, 3 N/mm² ही होता है, क्लियर हो गया। ओके आप देख सकते हैं कैसे हमने किया था, जल्दी से बेसिक देख लीजिए। ओके तो 3 MPa है ये, ओके तो 3 MPa is 10^6 होता है, पास्कल, पास्कल कितना होता है, यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट हमें मीटर स्क्वायर नहीं चाहिए यहाँ पे, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर चाहिए। आपको मालूम है दैट 1 m 1000 mm होते हैं, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, ये भी स्क्वायर कर लीजिए, तो दिस इज 1 m², तो ये स्क्वायर 1000 पे पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mm के ऊपर भी पड़ेगा, यूनिट के ऊपर भी पड़ेगा। तो 1 m² की जगह आप कितना, ये भी 10^6 है, 1 m² कैन बी रिटन एज 10^6 mm². तो 1 m² की जगह आप क्या लिखोगे, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, तो 1 m² की जगह 10^6 mm², तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या रहेगा, 3 N/mm², यानी कि 3 MPa को आप 3 N/mm² लिख सकते हो, इसलिए लिख दिया। ओके चलिए तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 3 N/mm². ओके डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है क्या यहाँ पर, हाँ दिया हुआ 45, ठीक है, इंटरनल डाया, ओके ओके इन टू 1 - 2 μ, they have given 0.3, ठीक है, ओके 4 × t, thickness is how much, 1.5 mm, ओके e की value यहाँ पे गीगा पास्कल में दी हुई है, तो देखिए गीगा, गीगा means 10^9, और ये है पास्कल, तो मैंने ऑलरेडी बोला आपको पास्कल means कितना होता है, पास्कल means न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके सिंपल। सो 100 × 10^9 इंटू न्यूटन, 1 m² की जगह ये न्यूटन पर, पर मीन्स 1 होता है, तो 1 m² इज 10^6 mm
स्क्वायर ओके सो ये दिस दिस गोज तो 100 इनटू यहाँ पे 10 टू 9 था यहाँ पे 10 टू 6 है तो 10 टू 3 बाकी रह जाएगा सो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में यहाँ पे पुट कर दीजिए सो दिस इज योर 100 इंटू 10^3 अगर आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ देखो प्रेशर प्रेशर कितना था न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में ठीक है फिर डायमीटर डायमीटर मीटर में था ओके इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती तो कोई लगाने की जरूरत नहीं है ओके फोर फोर की यूनिट नहीं है थिकनेस एमएम में होती है डायमीटर एमएम में था सॉरी हाँ थिकनेस भी एमएम में है ओके ई यह है न्यूटन ई की क्या होती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर अभी हमने कन्वर्ट करके निकाला है पूरा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तो ये देखिए मीटर स्क्वायर कैंसिल एमएम एमएम कैंसिल न्यूटन न्यूटन कैंसिल कोई यूनिट नहीं है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी सो देयरफॉर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिन लेंथ इज इक्वल टू कितना रही है 9 × 10^-5 हो गया ओके फाइनली अब मैं क्या करता हूँ चेंज लेंथ अपॉन ओरिजिन लेंथ इज 9 × 10^-5 अब जैसे ही लेंथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो लेंथ की यूनिट इसे मिल जाएगी तो यहाँ पे मैं लेंथ को हटा देता हूँ इनटू लेंथ कितनी थी 450 आप देखेंगे 450 mm सो दिस इज कमिंग आउट टू बी चेंज इन लेंथ इज कितना रहा है दिस इज 0.0405 तो याद रखिएगा जो पहले 7-8 मिनट लिए दैट वॉज टू टेल यू ओनली कि वॉट वॉज द कॉन्सेप्ट ठीक है सो दिस इज योर एमएम और डेफिनेटली अगर प्रेशर से अंदर ये सब्जेक्टेड है तो लेंथ तो बढ़ेगी ना इसकी तो डेफिनेटली जो चेंज इन लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी ठीक है ओरिजिनल लेंथ में और कुछ लेंथ बढ़ेगी ये है वो चेंज इन लेंथ तो दिस इज मैं आप लिख देता हूं इंक्रीज हो गया तो यहां पर मैं फटाफट लिख लेता हूं लेट मी फाइंड आउट चेंज इन लेंथ ओके केस वन किसकी वजह से प्रेशर की वजह से ये दिस इज 0.0405 mm ठीक है ये इंक्रीज हो रही है चल ये तो मेरा हो गया मैं लिख देता हूं अब फटाफट निकाल लेता हूं व्हाट तो ये कॉन्सेप्ट था आपको समझाने के लिए दैट वाज टू टेल यू ओनली अब मैं निकालूंगा फटाफट कौन सा चेंज इन डायमीटर ठीक है लेट मी चेक करेगा ओके 16 मिनट पास हो गए ठीक है तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिन डायमीटर तो दिस इज द फॉर्मूला इज अगेन द सेम 4TE यहां पर इस टाइम है 2 - μ लेट मी चेक क्या मैंने ये फॉर्मूला सही निकाला है और याद रखिएगा ये सारे फॉर्मूले हमने ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं ठीक है या सो देयरफॉर पी पी इज 3 था डायमीटर 45 था आई थिंक हाँ ओके 4T टी इज 1.5 E E कितना था 100 × 10^3 ऑलरेडी बताया हुआ है अब मैं बार बार नहीं करूंगा ओके तो आप समझ सकते हैं पिछले वीडियो को रिवाइंड करके म्यू इज 0.3 तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इसकी भी कोई यूनिट नहीं होने वाली क्योंकि ये भी एक तरह का स्ट्रेन है सो दिस इज कमिंग आउट टू बी कितना है 3.825 × 10^-4 ओके दिस इज योर चेंज इन डायमीटर ऑफ ओरिजिनल डायमीटर ओके सो फाइनली डेल डी इज इक्वल टू 3.825 × 10^-4 इंटू डायमीटर डायमीटर इज हाउ मच 45 ओके सो दिस इज डेल डी इक्वल टू अब याद रखिएगा अगर ओरिजिनल डाया इतना था तो जो चेंज इन डायमीटर होगा वो भी एक्स्ट्रा होगा बड़ा होगा ठीक है डेफिनेटली ये भी इंक्रीज हो रहा है सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.0172125 mm तो ये भी इंक्रीज हो रहा है तो यहां पे मैं लिख देता हूं सो दिस इज द चेंज इन डायमीटर किसकी वजह से प्रेशर की वजह से बड़ा सो 0.0172125 mm तो ये भी बढ़ा रहा है ठीक है तो चलिए अब हम केस टू की तरफ चलते हैं अब हम प्रेशर की वजह से कुछ नहीं कैलकुलेट करेंगे मान लेते हैं प्रेशर का इफेक्ट नलीफाई हो गया है अब सिर्फ फोर्स एक्ट हो रही है ठीक है प्रेशर मैं मिटा देता हूं एक्चुअली में ये प्रेशर मेरे को पहले भी दिखाना चाहिए था प्रेशर एक्चुअली में ऐसे एक्ट कर रहा था ये था पी आपका ठीक है बट फिलहाल तो मैं इसे मिटा देता हूं ठीक है ओनली फोर्स एक्ट करेगी अब आपको मालूम है कि ये जो हमने पढ़ा है ये सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन में पढ़ा हुआ है ठीक है तो आपको इस दौरान मालूम है दैट स्ट्रेस अंडर यंग्स मॉडुलस जो ये है लॉ ऑफ इलास्टिसिटी है अंडर यंग्स मॉडुलस क्लियर हो गया ओके तो जिसमें जो लिमिट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन तो स्ट्रेस वर्सेस अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ठीक है अब स्ट्रेस को हम सिग्मा डिनोट करते हैं और स्ट्रेन को ई डिनोट करते हैं अब जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खुलता है तो दैट इज अ कैपिटल ई ऑन स्मॉल ई ओके तो अब हमें क्या चाहिए हमें यहां पर भी चेंज इन लेंथ निकालना है बट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इस फोर्स की वजह से तो फोर्स अगर हमें वो निकालना है चेंज इन लेंथ तो वो चेंज इन लेंथ हमेशा स्ट्रेन में छुपा होता है यानी कि यहां पर छुपा हुआ है वो तो हमें क्या चाहिए सिग्मा अपॉन कैपिटल ई इज इक्वल टू स्मॉल ई हो गया तो दिस इज स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन बट स्ट्रेस क्या है आपको मालूम है कि जो स्ट्रेस होगा जब भी कोई भी बॉडी एक्सियली उसे देखिए जिस डायरेक्शन में इसकी खुद की एक्सिस है देखिए खुद की एक्सिस भी इसी डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में
एक फोर्स लगाई हुई, एक्सियल फोर्सेस इसे सब्जेक्ट कर दिया गया है। तो आपको मालूम है अगर हमें स्ट्रेस निकालना है तो आपको मालूम है दिस इज द फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितनी है 3, और ये किलो, किलो को मैं एब्जॉर्ब करा लेता हूं 1000। ओके, एरिया, एरिया कौन सा है याद रखिएगा, ये खुद प्रेशर वेसल है, ठीक है। तो इसका जो खुद का एरिया होगा दिस इज योर, देखिए ये वाला एरिया होगा, ये वाला जो मैं यहां पे ये कर रहा हूं, ये वाला एरिया होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो हो गया आउटसाइड डाया जो होगा, इंटरनल डाया तो 45 दिया ही हुआ है, आउटसाइड डाया कितना होगा देखिए, यहां से यहां तक ये है आपका 45 mm। ओके, थिकनेस कितनी थी, ये थिकनेस थी 1.5 mm, यहां पर भी, यहां पर लिख देता हूं, और यहां पर भी तो ये 1.5 mm है, ठीक है। ओके, तो जो टोटल डाया हो जाएगा दिस इज 45, 1.5 प्लस 1.5 दैट इज 48, तो यानी कि जो आउटसाइड डाया होगा दिस इज 48, और ये एक तरह के सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। बट हमें कौन सा एरिया यूज करना है जिसके ऊपर ये फोर्स पड़ रही है, ये वो शेडेड एरिया है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये देखिए ये वाला वो एरिया है, ठीक है। तो ये एरिया हम कैसे निकालेंगे देखिए, सॉरी फॉर दिस, तो ये एरिया निकलेगा, आपको मालूम है सर ये एक तरह का सर्कल का एरिया दिख रहा है, बट हमें पूरा एरिया नहीं निकालना है, ये बीच का एरिया जो है जो खाली छोड़ा हुआ उसे छोड़ना है। तो मैं क्या करूंगा, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया को माइनस कर दूंगा, तो जो एरिया माइनस हो रहा होगा जहां पर ये शेडिंग नहीं है वो वाला एरिया माइनस होके जहां पे शेड है वो वाला एरिया आ जाएगा। तो मैं ये लिखूंगा पाए डी स्क्वायर बाय 4। तो इसमें जो है देखिए यहां पे काम करता हूं, वैसे तो जो सर्कल का एरिया होता है वो पाए डी स्क्वायर बाय 4 होता है, बट यहां पर जो बड़ा है आउटर डायमीटर यहां पर लिख देता हूं, आउटर डायमीटर का स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर, हो गया ये, चलिए ये मतलब है मेरा, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से सॉल्व करता हूं, सिग्मा की वैल्यू, सो 3 × 1000, ओके, पाई डिवाइडेड बाय 4, आउटसाइड एरिया मींस आउटसाइड डायमीटर हो गया 48, ओके, माइनस इंटरनल डायमीटर 45 का स्क्वायर, ओके, हो गया। अगर आप इसकी यूनिट देखेंगे तो दिस इज, इसकी यूनिट क्या थी, ये किलो थी, किलो को एब्जॉर्ब कर लिया था फोर्स को, तो ये हो गया न्यूटन, और ये एरिया है तो दिस इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये जो जितना आ रहा है लेट मी चेक कितना लिखा है मैंने, This is coming out to be, हाँ, sigma. Therefore, sigma is coming out to be, कितना है? 13.71 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये जो पहला वीडियो है जिसमें हमने थ्योरी सी थ्योरी पढ़ी और फिर ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, ओके, सो दिस इज राइट नाउ, मैं यहां पे लिखता हूं, देयरफॉर E इज इक्वल टू सिग्मा, तो दिस इज 13.71 डिवाइडेड बाय E, E की वैल्यू दी हुई है, कहां पर है, ये 100 है, तो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको 100 × 1000, ठीक है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो ये भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, ये भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, तो याद रखिएगा ये इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, और ये लीनियर स्ट्रेन है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये जो आ रहा है दैट इज ई, ई इज योर कितना आ रहा है भाई, क्या है, 1.3691 × 10⁻⁴, इसकी कोई यूनिट नहीं है, बट ये है आपका लीनियर स्ट्रेन, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो मैं यहां पर लिखता हूं ये This is the change in length upon original length. But हमें तो क्या चाहिए था, यही E है हमारा, ठीक है, so ये है हमारा इस केस में, ठीक है, जिसमें प्रेशर से अब हम मान रहे हैं कि सब्जेक्टेड नहीं है थोड़ी देर के लिए, केस टू कर रहे हैं, यानी कि सेपरेटली सेपरेटली आंसर कर रहे हैं, फिर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके हम आंसर निकाल लेंगे एड करके, ठीक है, या माइनस करके। तो चेंज इन लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंथ, तो ये आ गया 1.369 × 10⁻⁴। अब जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सो देयरफॉर दिस इज 1.369 × 10⁻⁴ इंटू लेंथ, लेंथ इज हाउ मच, लेंथ लेंथ कितनी होगी 450 mm, ठीक है। सो अगर अब देखिए इसी की यूनिट इसमें मिल भी जाएगी तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ओके, अब ले लेता हूं, ये तो 3 kN था, ओके, सो देयरफॉर चेंज इन लेंथ इस केस में, ये सिर्फ फोर्स की वजह से, इसलिए एफ लिख रहा हूं, दिस इज कमिंग आउट टू बी कितनी आ रही है, 0.0616 mm। तो याद रखिएगा ये भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि इस फोर्स की वजह से और लंबाई इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये भी इंक्रीज ही हो रही है। बट एक चीज याद रखिएगा जो मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, अब आप खुद सोचिए अगर मैं इसको खींचूंगा तो डायमीटर क्या बढ़ेगा या घटेगा, इस दौरान घट जाएगा, पहले केस में बढ़ रहा था, अब देखिए प्रेशर तो इस साइड भी है तो डायमीटर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, डायमीटर तो बढ़ेगा, ये डायमीटर बढ़ा हुआ है, बट इस केस में डायमीटर कम हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा जब फाइनली मेरे को आंसर निकालना होगा तो उसमें बढ़ रहा था इसमें घट रहा था तो दोनों को माइनस कर दूंगा और फाइनली जो बढ़ा हुआ है वो आपको बता दूंगा, ठीक है। सो अब आपको मालूम है दैट लीनियर स्ट्रेन, ये होता है लैटरल स्ट्रेन
अपॉन लीनियर स्ट्रेन इक्वल टू म्यू, ये होता है पॉइजन्स रेशियो। मतलब पॉइजन्स रेशियो क्या बताता है कि एक्स डायरेक्शन में जो भी चेंज आता है स्ट्रेन में, ठीक है, ये एक तरह का रेशियो रहता है, एक्स डायरेक्शन में जो भी चेंज आता है, तो अगर इसमें पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, मींस कम हो जाएगा, नेगेटिव चेंज आएगा, ये बोल सकते हैं। मतलब एक्स डायरेक्शन में अगर कोई चीज बढ़ रही है तो वाई डायरेक्शन में डेफिनेटली घटेगी। अगर आप इस रॉड को या प्रेशर वेसल को खींच रहे हो तो इसका डायमीटर, इसकी लेंथ जरूर बढ़ेगी बट इसका डायमीटर तो कम हो जाएगा ना, तो यही चीज है। तो लैटरल स्ट्रेन, और याद रखिएगा ये जो लीनियर स्ट्रेन होता है हमेशा एक्स डायरेक्शन में अगर मेजर किया जा रहा है तो वाई डायरेक्शन में आपका लैटरल स्ट्रेन होगा जिस डायरेक्शन में आपका डायमीटर, और एक्स डायरेक्शन में यानी कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस में यानी कि एक्स एक्सिस में आपका लंबाई है। अगर आप इसको आप लीनियर स्ट्रेन ले रहे हो इस डायरेक्शन में वाई, तो डेफिनेटली जो भी एक्सिस आपकी परपेंडिकुलर आ जाती है, ठीक है, एक्स एक्सिस, फिलहाल आपके वाई एक्सिस में अगर माना जाता है कि लीनियर स्ट्रेन हो रहा है तो एक्स डायरेक्शन में लैटरल स्ट्रेन देखने को मिलेगा, बट इस क्वेश्चन में उल्टा है। अभी फिलहाल एक्स डायरेक्शन में लंबाई में चेंज आ रहा है, वो भी पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो उसकी वजह से आपका डायमीटर कम होगा, यानी कि वाई डायरेक्शन में आपका लैटरल स्ट्रेन देखने को मिलेगा। तो लैटरल स्ट्रेन कितना होगा, और लैटरल स्ट्रेन ही हमारा चेंज इन डायमीटर है, तो लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू म्यू इंटू लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन हो गया, और लीनियर स्ट्रेन हमने निकाला हुआ है, सो म्यू इज 0.3, लीनियर स्ट्रेन हमारा कितना गया, ये लीनियर स्ट्रेन ही तो है, लीनियर स्ट्रेन, सॉरी एक मिनट, लीनियर स्ट्रेन ये है हमारा, ठीक है, ये तो चेंज इन लेंथ है, कौन सी एक्स डायरेक्शन में, किसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से, तो 1.369 × 10⁻⁴, और ये याद रखिएगा इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती, नहीं इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, याद रखिएगा, हाँ इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ई है ना ये, तो सो दिस इज कमिंग आउट टू बी लैटरल स्ट्रेन कितना आया, और याद रखिएगा ये जो लैटरल स्ट्रेन है ये होता है डेल डी बाई डी, ठीक है, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी कितना रहे, हाँ यहां पे लिखता हूं 4.1073 × 10⁻⁵, ओके हो गया। अब ये डायमीटर को भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां पर, तो ये जो डायमीटर था ये डायमीटर कितना है हमारा 45, ठीक है, सो देयरफॉर दो एक्चुअली जो डायमीटर आ रहा है यहां पे लिखता हूं, ठीक है, डेल डी, और ये किसकी वजह से, फोर्स की वजह से, तो ये जो आया फाइनली दिस इज कमिंग अप टू बी 1.8285 लिख लीजिए, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा लीजिएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, −3 mm, ओके, तो फाइनली हमारा आंसर रेडी हो गया है, और ये जो हमारा चेंज इन लेंथ है वो यहां पे लिख देता हूं, ये लिखा ही हुआ है बट यहां पे भी लिख देता हूं, दिस इज द चेंज इन लेंथ, ये फोर्स की वजह से कितना आया, दिस इज कमिंग अप टू मी, आई है, ठीक है, 0.0616 mm, ओके, अब टाइम है एल्जेब्रिकली एड करने का बाय द यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, तो यहां पर मैं फाइनली लिखता हूं द ओवरऑल चेंज, दिस इज द चेंज इन लेंथ ओवरऑल, ठीक है, आप देख रहे हैं प्रेशर की वजह से लेंथ बढ़ गई थी बट फोर्स की वजह से लेंथ इसमें भी बढ़ गई थी, तो दोनों को एड ही करना पड़ेगा, सो दिस इज 0.0405, लेट मी चेक क्या मैं सही कर रहा हूं, आंसर भी वही आना चाहिए ना फिर मेरे पास, सॉरी चेंज इन लेंथ दूसरे केस में ये वाला है, ठीक है, 0. तो ये वाला एड करना चाहिए 0.0616, तो ये जो आंसर आ रहा है दिस इज कमिंग अप टू बी कितना आ रही, चेंज इन लेंथ इज 0.10211 mm, तो ये हो गया हमारा चेंज इन लेंथ ओवरऑल, ठीक है, चलिए अब मैं क्या निकालूंगा, चेंज इन डायमीटर ओवरऑल, तो आपको मालूम है पहले केस में प्रेशर के केस में जो चेंज इन डायमीटर आ रहा है ओवरऑल आपका डायमीटर बढ़ रहा है, दूसरे केस में खींचने की वजह से डायमीटर कम होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में आपका लैटरल स्ट्रेन होगा, ओके, सो हमारा डायमीटर कितना आया प्रेशर की वजह से जो बढ़ा था 0.017215, ओके, दूसरे केस में हमारा डायमीटर कम हो रहा है, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.10⁻³, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिख देता हूं 0.00184123, ठीक है, ओके, इतना आ रहा है, तो अगर आप दोनों को माइनस करेंगे तो चेंज इन डायमीटर ऑफ ओवरऑल डायमीटर में जो रिडक्शन आ रहा है, एक्चुअली देखिए ये वैल्यू काफी बड़ी है चेंज इन जो भी है, ठीक है, चेंज इन डायमीटर प्रेशर की वजह से, और ये जो है ये क्या बोलते हैं इसमें इतनी वैल्यू से रिडक्शन आ रहा है, तो ठीक है ये वैल्यू बड़ी है ये वैल्यू छोटी है तो फाइनली भी आपका डायमीटर इंक्रीज ही होगा, ठीक है, सो ये आ रहा है
0.01536 mm. तो ये था आपका आंसर. तो यही था आपका इफेक्ट, दैट वाज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन प्रेशर वेसल. अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट अ कमेंट. मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली वीडियोस लेकर आने की. थैंक्स फॉर वॉचिंग. धन्यवाद. थैंक यू.